दोस्तों आप लोगों को पता है व्हाट्सएप 8 फरवरी से आपका बंद होने जा रहा है अगर आप लोग उनकी नई जो यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी है उसको एग्री नहीं करते हैं। लेकिन प्राइवेसी पॉलिसी तो ऐसी है कि एग्री उसे हम करें तो कैसे करें भाई, बिल्कुल भी हम एग्री नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग एग्री कर लेंगे लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर जो है मन नहीं करता है कि उससे एग्री करें। और व्हाट्सएप की इतनी ज़्यादा आदत यहाँ पर लोगों को हो चुकी है कि जैसे जो है स्मार्टफोन लिया तो तुरंत व्हाट्सएप यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। लेकिन अब व्हाट्सएप से आपको क्या कुछ खतरा है? जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप से आपको अब 8 फरवरी 2021 के बाद में क्या कुछ खतरा है उसी बारे में हम बात करेंगे। और व्हाट्सएप की जगह अब आप कौन सा ऐप यूज़ कर सकते हैं फिलहाल के लिए, तो आगे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, फिलहाल के लिए कौन सा ऐप यूज़ कर सकते हैं उसी बारे में पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप लोग बताइएगा, फिलहाल आप जो है यहाँ पर मैसेंजर के रूप में यानी कि SMS के रूप में सिर्फ जो आप मोबाइल से जो SMS सेंड करते हैं उसके अलावा आप कौन सा जो ऐप है वो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कॉलिंग के लिए, चैट के लिए, वीडियो कॉलिंग के लिए या जो है वॉइस कॉलिंग के लिए, ये सारी चीज़ें आप कैसे कर रहे हैं वो आप लोग किस जो है ऐप के द्वारा कर रहे हैं वो आप लोग बताइएगा। व्हाट्सएप मैसेंजर किस ऐप के द्वारा कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये बढ़ने से पहले सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसको आप प्रेस कीजिए और जो साइड में बेल आइकन आता है उस पर जो है आप क्लिक कीजिए और बाद में आप जो है ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि आप पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले इंडियन जुगाड़ टैग पर। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पर लागू होने जा रही है 8 फरवरी 2021 से। और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, अभी तक मुझे यार व्हाट्सएप यूज़ करते हुए करीबन 10 साल हो चुके हैं। करीबन मैंने जो है दिसंबर 2009 के अंदर व्हाट्सएप जो है यहाँ पर यूज़ करना स्टार्ट किया था और उस समय मैंने सैमसंग का एक नया स्मार्टफोन लिया था और उस समय जो है एंड्रॉइड का जो है कुछ यहाँ पर जो है मतलब स्टार्टिंग हुई थी, मतलब जो है बोलबाला हुआ था कि एंड्रॉइड भी कुछ OS है यहाँ पर। उससे पहले जो है यहाँ पर आप लोगों को पता है तो नोकिया के जो फीचर फ़ोन आते थे या नोकिया के स्मार्टफोन जो विंडोज़ वाले थे और भी काफ़ी नोकिया के OS थे, सिम्बियन वाला OS था, ये सब चीज़ आती थी। लेकिन उसके बाद में आपको एंड्रॉइड जो है OS देखने को मिले, काफ़ी ज़्यादा ऐप्स देखने को मिले जिनमें से जो है एक जो है यहाँ पर व्हाट्सएप भी एक था। और उस समय जब मैंने व्हाट्सएप यूज़ करना स्टार्ट किया था तो व्हाट्सएप पर कोई भी नहीं था, कोई भी व्हाट्सएप पर नहीं था। जो मेरी पूरी फ्रेंड लिस्ट थी यानी कि जो पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट थी उसमें से एक भी लोग जो है व्हाट्सएप पर नहीं थे 2009 के दिसंबर के अंदर। लेकिन फिलहाल की बात करें तो आप अपनी जो मोबाइल नंबर पूरी लिस्ट चेक कर लीजिए, लगभग हर बंदा जो है व्हाट्सएप पर मिलता है। तो उस समय इतनी ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन थी व्हाट्सएप एक्सेस नहीं करता था, किसी के साथ में भी शेयर आपकी जो है किसी के साथ में भी आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जाती थी क्योंकि उस समय जो है व्हाट्सएप सिर्फ जो है एक सिंगल कंपनी थी। और अभी जो है व्हाट्सएप यहाँ पर फेसबुक के साथ में काम कर रहा है, यानी कि जो भी जो आप चीज़ें सेंड कर रहे हैं, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो व्हाट्सएप यहाँ पर फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेंजर पर सेंड कर रहा है। हर जगह आपको एड्स देखने को मिल रहे हैं। तो सारी जो चीज़ें वो आपकी एक्सेस की जा रही है, 15 से ज़्यादा जो यहाँ पर आपकी चीज़ें स्मार्टफोन की वो एक्सेस की जा रही है, जिनमें आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपकी स्टोरेज में आपको पता है आप क्या कुछ रखते हैं, आपकी गैलरी में जितने भी फोटोज़ वगैरह हैं, जितनी भी फाइल्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर व्हाट्सएप एक्सेस करता है। और अभी तो इंडिया के अंदर जो यहाँ पर पेमेंट वाला सिस्टम आया है वो भी आ गया है, तो आपकी जो ट्रांजेक्शन डिटेल है वो भी अब यहाँ पर व्हाट्सएप के ही हाथ में है कि वो भी उन्हें शेयर कर सकता है कि कहाँ पर आप जो है ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कौन सी चीज़ खरीद रहे हैं, कहाँ पर आप पेमेंट करें, किस होटल में गए या आपने कौन सा नया सामान खरीदा, किस शॉप पे आप गए, कौन सी मूवी आपने देखी, किस मॉल में आप गए, वो सारी चीज़ें जो है पेमेंट ट्रांजेक्शन से व्हाट्सएप के पास में आ जाती है। तो उसी तरह के एड्स आपको अब जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें व्हाट्सएप अब कर रहा है, यानी कि आपकी जो यहाँ पर जो अभी तक व्हाट्सएप के द्वारा बताया जा रहा था कि आपको एंड टू एंड इंक्रिप्शन देखने को मिल रहा है चैट के अंदर, लेकिन चैट के अंदर तो वो देखने को मिल रहा है, लेकिन जो भी आप यहाँ पर काम कर रहे हैं यानी कि जो फाइल सेंड कर रहे हैं, फोटोज, वीडियोज या जो भी आप फाइल सेंड कर रहे हैं, PDF फाइल सेंड कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें अब जो है यहाँ पर इसी के हाथ में, किसके हाथ में, व्हाट्सएप के हाथ में। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप के हाथ में, साथ में जो ट्रांजेक्शन डिटेल है वो भी व्हाट्सएप के हाथ में है। तो यार मैंने तो ये गलती यहाँ पर कर दी कि व्हाट्सएप का जो यहाँ पर पेमेंट वाला सिस्टम है वो ऑन कर लिया और इसे मैं डिलीट करने की कोशिश करूँगा, एक दो दिनों में मैं इसे डिलीट कर दूँगा क्योंकि अब भाई ऐसे नहीं हो पाएगा कि सारी डिटेल आप जो है दूसरी कंपनियों के साथ में शेयर करें, क्योंकि अब व्हाट्सएप जो है सारी चीज़ें शेयर करने वाला है फेसबुक के साथ में, इंस्टाग्राम के साथ में, मैसेंजर के साथ में। इसके अलावा जो दूसरी कंपनियाँ जो ऐड दिखाती हैं आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड दिखाने वाली कंपनी के साथ में शेयर की जाएगी कि भाई ये बंदा किस बारे में बात कर रहा है।
मान लीजिए आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं कि भाई हम जो है कल ये मूवी देखेंगे, या इस जगह जाएंगे, इस होटल में जाएंगे, यहाँ पर हमें जो है पिकनिक प्लान करना है, ये प्रिंटर हमें खरीदना है, ये लैपटॉप हमें खरीदना है, नया स्मार्टफोन हमें खरीदना है, तो अगर उसके बारे में भी आप लोग बात कर रहे हैं तो उसी तरह के ऐड आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम साथ में मैसेंजर में देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सब कुछ यहाँ पर आप होने जा रहा है। तो ऐसा तो पहले से चल रहा था, लेकिन अब जो है पूरी जो है यहाँ पर जो है परमिशन ले लिया व्हाट्सएप ने कि अगर आप एग्री पर क्लिक करते तो आप एग्री हो गए, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर जाएगी, सभी कंपनियों के साथ में आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। लेकिन फिलहाल की बात करें कि अगर आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं करना चाहते हैं, क्या कुछ आप लोग यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ पर दो ऐप निकल कर सामने आ रहे हैं। एक तो टेलीग्राम, टेलीग्राम बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा लोग जो है यूज़ नहीं करते जितना व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक और ऐप है जो कि सिग्नल ऐप, सिग्नल ऐप जो है इतना ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन फिलहाल की बात करें तो अभी के लिए सबसे ज़्यादा प्ले स्टोर की बात कर ले या आप जो है ऐप स्टोर की बात कर ले, iOS की बात कर ले, तो मैं अपने आईफोन पर जो है एक स्क्रीनशॉट आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे नंबर वन पोजीशन पर जो चल रहा है वो सिग्नल प्राइवेट मैसेंजर ही चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, सिग्नल प्राइवेट मैसेंजर ही यहाँ पर चल रहा है, यानी कि अब फिलहाल जो है आपको पता है iOS में आपको काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी मिल जाती है, इसलिए लोग आईफोन यहाँ पर खरीदते हैं, जो भी बड़े बड़े लोग रहते हैं वो सब आईफोन खरीदते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो यहाँ पर एलन मस्क, आप लोगों को पता है टेस्ला के जो ऑनर है वो सबसे अमीर आदमी यहाँ पर बन चुके हैं, पूरे दुनिया के अंदर सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। तो उन्होंने भी आप ट्वीट करके ये बोल दिया है कि यूज़ सिग्नल। जी हाँ दोस्तों, सिग्नल ऐप को आपको यूज़ करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब प्राइवेसी बहुत ही बड़ी यहाँ पर जो है बात हो चुकी है, क्योंकि अब व्हाट्सएप में आपकी कोई भी प्राइवेसी यहाँ पर नहीं रहने वाली है, सारी चीज़ें आपकी एक्सेस की जाएंगी। और अगर आप लोग मैसेंजर भी यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप भी यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी 30 से ज़्यादा जो जानकारी वो यहाँ पर एक्सेस की जाएगी, जिनमें आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल, मैसेज, सब कुछ जो है वहाँ पर एक्सेस किया जाएगा, फोटोज़ आपकी स्टोरेज के अंदर जो कुछ भी हो, सारी चीज़ें आपकी वहाँ पर एक्सेस की जाएंगी। तो ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा है। सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर पर आप लोग देख सकते हैं iOS के अंदर फिलहाल जो है ऐप स्टोर पर जो चल रहा है वो टेलीग्राम मैसेंजर चल रहा है। जी तो सेकंड नंबर पर टेलीग्राम मैसेंजर यहाँ पर आ रहा है, लेकिन फिलहाल व्हाट्सएप तीसरे पोजीशन पर पहुंच चुका है। तो व्हाट्सएप यहाँ पर जो है तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए जो ऐप यहाँ पर जो है सबसे बेस्ट लग रहा है वो सिग्नल ऐप ही लग रहा है, क्योंकि टेलीग्राम पर भी जो है आप जो है यहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम जो आपकी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर रहा है वो सिग्नल से ज़्यादा कर रहा है। सिग्नल ऐप आपकी सिर्फ जो आपका मोबाइल नंबर है उसे जो है यहाँ पर जो है रखता है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आपके मोबाइल नंबर को एक्सेस करता है कि आप किस मोबाइल नंबर से जो अपना अकाउंट बना रहे हैं, उसके अलावा आपकी सारी चीज़ें जो आपका जो डेटा है वो सारा जो है यहाँ पर इंक्रिप्टेड रहता है। जी हाँ दोस्तों, आपका सारा डेटा इंक्रिप्टेड रहता है अभी के लिए। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी के लिए तो ये आपका इंक्रिप्टेड है, आपकी सिर्फ मोबाइल नंबर की इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, ना आपकी डिवाइस इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, ना आपकी लोकेशन की इन्फॉर्मेशन ली जा रही है। व्हाट्सएप तो आपको सब कुछ ले लेता है। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप तो कह के फिलहाल आपकी ले रहा है कि मैं आपकी कह के लूँगा और सारी चीज़ें आपकी लूँगा, तो व्हाट्सएप तो कह के ले रहा है, लेकिन फिलहाल जो है सिग्नल ऐप की बात करें तो सिग्नल ऐप आपका कुछ भी नहीं ले रहा, सिर्फ आपका मोबाइल नंबर ले रहा है, उसके अलावा कोई भी जानकारी आपकी नहीं ली जा रही है। तो मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए यहाँ पर हम बात करेंगे कौन सा ऐप बेस्ट निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप जो है इतने ज़्यादा सिक्योरिटी को लेकर जो है यहाँ पर चिंतित नहीं है तो आप टेलीग्राम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं फिलहाल के लिए आप लोग जो है यहाँ पर प्राइवेसी को लेकर सिग्नल ऐप यूज़ कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से फिलहाल सिग्नल ऐप ही यूज़ करना चाहिए। व्हाट्सएप में आपकी कोई भी प्राइवेसी फिलहाल के लिए नहीं रह जाती है, आपकी सारी चीज़ें वहाँ पर एक्सेस की जाएंगी। तो व्हाट्सएप ने तो ये फाइनली यहाँ पर बोल दिया कि आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सेस की जा रही हैं, लेकिन फिलहाल आप लोग बताना कि क्या आप लोग व्हाट्सएप को अभी भी यूज़ करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग व्हाट्सएप को अभी भी यूज़ करेंगे, क्या आप एग्री वाला बटन दबाएंगे या नॉट नाउ पर क्लिक करेंगे, और नॉट नाउ पर क्लिक करने के बाद में 8 फरवरी 2021 के बाद में अपना अकाउंट जो है डिलीट करेंगे, और उसके बाद में आप कौन सा ऐप यूज़ करेंगे, सिग्नल ऐप यूज़ करेंगे, टेलीग्राम ऐप यूज़ करेंगे, वो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताएं। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।